मतलब नहीं कॉन्सेप्ट बताइए कि इस कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे डिम्बा अवस्था है ना, और अभी वैसे कुछ याद तो नहीं आ रहा। हाँ, अलंकार पूछे थे हिंदी में, हिंदी बताइए हिंदी में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे। हिंदी में अलंकार पूछे थे, मतलब नॉर्मली था अलंकार, सास ही से पहचानना था, उपमा अलंकार था उसमें, पर्यायवाची और हाँ पर्यायवाची थे, विलोम शब्द थे, गद्यांश, बाकी सब गद्यांश में से देखना था, और अपने सेकंड संस्कृत थी। हाँ, संस्कृत में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं? संस्कृत में अच्छा था, बस वो माहेश्वरी सूत्र का थोड़ा क्या अपने लेवल का वो नहीं होता है। तो संस्कृत में क्या-क्या पूछा गया ये बताइए आप। संस्कृत में गद्यांश था, दो गद्यांश थे आई थिंक, और क्या था संस्कृत में, मेरे को याद तो नहीं आ रहा है, पर संस्कृत तो इतनी टफ नहीं थी, इजी थी। टफ नहीं थी संस्कृत, इजी थी, मैथ्स भी बहुत इजी था, मैथ्स तो सबसे इजी था। अच्छा, मैथ्स में क्या क्या बताइए मैथ्स में तो जनरली वैसे सब ही कर लेते, जैसे अनुपात का था एक, और क्या था अनुपात समानुपात, बेंजी 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 मत बोलो भड़क जाएंगे, बेंजी बोल रहे हैं, बेंजी बोल रहे हैं, और क्या दे रहे इतनी अच्छी से, और वैसे मुझे इतना याद नहीं आ रहा। ईवीएस तो मेरे ऊपर से गई है, क्योंकि ईवीएस में अंतरिक्ष के मेरे को लगन था कि इतने पूछ लेंगे आज। अच्छा। पर तीन चार क्वेश्चन पूछ ही लिए ईवीएस में। अच्छा, ईवीएस में। हाँ। तो आपने ढाई घंटे में कितने समय पहले पेपर कर लिया था? मैंने तो आधे घंटे पहले ही कर लिया था, आधा घंटा बच गया था मेरा, दो घंटे में कर लिया आपने। हाँ। फिर आपने कितना घंटा पढ़ाई की घर पे? मैंने तो पढ़ाई तो करी है। मैंने रीट का पेपर दिया था। हाँ। तो उसमें कितने नंबर आए थे? उसमें मेरे आए थे 125 नंबर। 125 नंबर, तो वो कभी रेशियो चल रहा है जो मैं बता रहा हूँ, 10-12 नंबर रीट में आपके अच्छे नंबर है, 130 125 10-12 नंबर आप नीचे आ रहे हो। हाँ, मतलब यहाँ आ रहे हैं। और तो बच्चों को मोटिवेशन के लिए कोई दो लाइन बोल दो क्या? बस मोटिवेशन के लिए क्या बोलूँ, बस पढ़ते रहो। हाँ। और तो क्या, वैसे ईवीएस में मेरा मेरे हिसाब से है ना, ईवीएस में कम ध्यान देना चाहिए, बाकी में ज्यादा, क्योंकि ईवीएस तो वैसे भी ऊपर से जा रही है। हाँ। कोई मतलब नहीं है। नहीं, ये बोलते हैं नीमज मंसूर रतलाम वाले बच्चे कि हमारे कम नंबर आ रहे हैं, आरक्षण वगैरह राजस्थान का, ये तो लसन का नाम पड़े रहते हैं, बोले लसन में खेती करते रहते हैं, फिर इनके नंबर कहाँ से आए? सही है, नहीं खेती हमारे भी है, बट खेती पर आप पढ़ाई फोकस करें। अब जिनके कम नंबर आ रहे हैं वो आरक्षण के बोले, आरक्षण ये वगैरह, अब लसन कांदा में आप पढ़त कर रहे हो ना, पढ़ाई एग्जाम दे के उठ के आ रहे हो, ठीक है? नहीं है, सही है, सही है। आप पढ़ाई पे फोकस कर रहे हो, आपने 5-6-7 घंटा पढ़ाई की होगी, पूरा फोकस कर रही है, 6 नंबर आपके कहीं ना कहीं देखा जाए अच्छे है ना। अब यहाँ बोलते हैं सर हमारे नीमज मंसूर रतलाम के राजस्थान वाले नंबर अच्छे ला रहे हैं, MBA में ही बोल रहे हैं, तो नहीं, राजस्थान वाले वैसे वो स्ट्रगल भी बहुत करते हैं, उनको पत्थर ही पत्थर दिखते हैं, तो क्योंकि है ना वो उनके क्या है कि कंपटीशन बहुत हाई रहता है ना, कंपटीशन हाई रहता है स्टार्टिंग से, वैसे ही रहता है। ऑप्शन है, नहीं होगी नौकरी लगी तो खेती है, अब वहाँ पर तो ओनली फॉर सरकारी नौकरी पे ध्यान देते ज्यादा, सही है, सही है, तो वो तो तैयारी करते हैं। वैसे मैं भी ठान के आई थी कि 115 तक जाऊंगी। हां बिल्कुल सही, आप ठान के आए थे ना, तो वही हुआ 106 नंबर, बट 106 पे ही अटक गए, पर अच्छे गर्ल्स में आज अच्छे नंबर आपके, बिल्कुल धन्यवाद। मेरे है ना लैब में मेरे ही ज्यादा थे, आपके लैब हाईएस्ट टॉपर आप ही हो ना, बिल्कुल सही, बट यहां पे आपको पता होगा कौन है, बस आप ही देखिए मेरे को हाईएस्ट है ना, गर्ल्स में आप ही हो, बॉयज में अभी मैं देखता हूँ, चेक कर लेता एक दो। हाँ महोदय, पेपर था आपका, और किसी का पेपर इधर नहीं, पेपर था भैया, इधर आइए, कितना स्कोर किया आपने? 106। वाह यार, कहाँ से आप? राजस्थान से। भैया भैया राजस्थान से, ये भी आज है, कहाँ से भैया? चित्तौड़ से हो, चित्तौड़ जिले से हो, तो बताइए आप CDP में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? CDP में प्याज जे के, वो प्याज जे के क्वेश्चन पूछे, और डिम्बावस्था, वो भ्रूणावस्था, बिल्कुल सही, और भ्रूणावस्था के बारे में पूछा गया, डिम्बावस्था, डिम्बावस्था हो गया। हाँ, और तो यार आप बताइए हिंदी भाषा में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? हिंदी में अच्छे थे प्रश्न। हाँ? हिंदी में अच्छे पूछे थे प्रश्न। अच्छा, अच्छे पूछे, क्या क्या पूछे गया हिंदी में? गद्यांश, वो गद्यांश था उसमें से पूछे गए थे। हाँ। 10 जो उसमें डायरेक्ट थे प्रश्न। अच्छा, और तो संस्कृत में क्या पूछा गया, एक्सप्लेन अच्छे से करके बताना, 106 नंबर है भैया आपके। संस्कृत का तो बहुत सरल था, संस्कृत में क्या है वो गद्यांश में उसको उत्तर थे डायरेक्ट। गद्यांश कितना बड़ा था? 10-12 क्वेश्चन था? 10-12 नहीं है, 7-8 प्रश्न थे, 7-8 प्रश्न, 10-12 लाइन का था। हाँ, 10 किस प्रकार से गद्यांश पूछा गया? गद्यांश तो अच्छा, धार्मिक आधार पर पूछा गया क्या? वो तो नहीं पता, धार्मिक आधार पर पूछा, धार्मिक आधार पूछा संस्कृत में, क्योंकि धार्मिक रामायण वगैरह महाभारत वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और क्या क्या पूछा गया? और तो गणित में सर वो अनुपात वाला, और वो पूछा गया अनुपात समानुपात, रेखा गणित से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? रेखा गणित से तो नहीं पता नहीं है, पता नहीं है आपको। और ईवीएस में सर अंतरिक्ष वाला, वो अंतरिक्ष वाले क्या क्या पूछा गया? अंतरिक्ष में PSLV JSLV वाला। अच्छा, PSLV JSLV उसके वो हिंदी वगैरह, सॉरी इसमें वातावरण से कौन कौन सा ओजोन वगैरह क्वेश्चन बने? ओजोन का नहीं था, वो ट्रोपोस्फीयर में कौन सा मतलब वो होती है गैस, ट्रोपोस्फीयर गैस कौन सी होती है, ट्रोपोस्फीयर में कौन सी गैस पाई जाती है, मतलब और वो उसमें ओजोन मंडल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब ओजोन मंडल से।
और उसमें वो था पृथ्वी के कितने घटक पटल है। अच्छा पटल है, भूपटल वगैरह। हाँ और तो सर ठीक, बहुत बढ़िया। आप बच्चों से 106 नंबर है, बच्चों से किस प्रकार की तैयारी करने के लिए आगामी जो एमपीटेट एस्पिरेंट है उनको मोटिवेशन के 2 लाइन बोल दिए कि किस प्रकार तैयारी करा। मोटिवेशन के लिए तो ये है कि सबसे बड़ा मोटिवेशन तो आप खुद बिल्कुल सही बोल रहे हो, खुद की परिस्थिति को देखो और पढ़ना शुरू कर दो। खुद की परिस्थिति को देखते हुए पढ़ना स्टार्ट कर दो, आपने सही वो अभी तक का सबसे अच्छी लाइन बोली कि आपको खुद अपने आप को मोटिवेशन रखो। और तो कुछ नहीं बस। बिल्कुल धन्यवाद सर, बिल्कुल अच्छा 106 नंबर है और देख लेते हैं पेपर किस प्रकार से पूछा जा रहा है। पेपर था मैम पेपर था आपका नहीं था, पेपर था भी ठीक है। आज का देखा जाए तो 106 वाली गर्ल्स टॉप थी। और देख लेते हैं और रोक दो, यहीं रोक दो इसको। हाँ क्या नाम सुनना आपका? कुसुम लता भट्ट। कहाँ से हो आप? चित्तौड़गढ़। राजस्थान से हो? राजस्थान। कितने स्कोर किया आपने? 92। आप बता दो सिटी में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? तब भी पूछे जा रहे हैं, मतलब अंतरिक्ष के ज्यादा पूछे जा रहे हैं। सीडीपी में चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में इसमें ठीक ही पूछ रहे हैं, लेकिन जीएन पियाजे थर्नडाइक वगैरह नहीं पूछे। अच्छा ये नहीं पूछा गया। और इसमें बताइए आप हिंदी में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाए? हिंदी में जैसे विलोम शब्द पूछे और मुहावरा पूछा। बिल्कुल सही, वो ज्यादा नहीं पूछे, बाकी पैसेज में से पूछे ज्यादा। अच्छा पैसेज में ज्यादा पूछे गए। और संस्कृत में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? संस्कृत में भी पैसेज पूछे गए और एकाध कुछ वो माहेश्वर सूत्र वगैरह इनसे पूछे गए थे और एक लकार पूछा था। ज्यादा टफ था संस्कृत आज? नहीं था बिल्कुल सिंपल था। आपका बैकग्राउंड कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगा आपको? मेरे को तो हिंदी संस्कृत अच्छा लगा। हिंदी संस्कृत मेरा सब्जेक्ट है। हिंदी? अच्छा हिंदी सब्जेक्ट है आपका। और इसमें क्या है मैथमेटिक्स में क्या क्या पूछा गया? मैथमेटिक्स बहुत इजी आई थी, ज्यादातर अनुपात पूछा था, आयु वर्ग का नियम का पूछा था। हाँ और सरलीकरण से क्वेश्चन पूछे गए? नहीं इतने। संख्या पद्धति से एलसीएम? नहीं एलसीएम से बिल्कुल नहीं पूछे। महत्तम समातक लघुत्तम समातक? नहीं बिल्कुल नहीं पूछे। संख्या पर आधारित प्रश्न पूछे? नहीं पूछे, ज्यादातर अनुपात के पूछे। अनुपात पूछे गए। और ईवीएस में और क्या क्या पूछा गया? अंतरिक्ष के ज्यादा पूछे गए। क्या क्या पूछा गया अंतरिक्ष में? अंतरिक्ष में जैसे उसका बजट, अंतरिक्ष का बजट हाल लेटेस्ट बजट पूछा था, जैसे 3 बार उस समय अध्यक्ष कौन रहे हुए थे, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन। बिल्कुल मैम ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और बच्चे किस प्रकार से तैयारी करें एमपीटेट की एस्पिरेंट जो है किस प्रकार से तैयारी करें? मतलब कुल मिला के अंतरिक्ष की जिसकी अच्छे से तैयारी है ना उनका हो जाएगा। अच्छा उनका हो जाएगा ठीक है, थैंक यू मैम। अच्छे से और किसी का पूछ लेते हैं। महोदया पेपर था आपका? मैम पेपर था आपका भी? पेपर था और पेपर था अभी आपका? उनका पीछे अब है। और देख लेते हैं और किसी का पेपर था अभी आपके? नहीं था, थोड़ा सा इधर देखो। देखा जाए तो आज के भी एक टॉपर थे, बहन थे नीमच की थी, वो 106 नंबर आए हैं। एक भैया थे जो वहाँ के थे, अपने राजस्थान के थे, राजस्थान का आज फिर से टॉप किया है। और आप ये वीडियो देखो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए अपने चैनल को रनिंग फिटनेस क्लब नीमच को, जल्दी से आपको जो भी नोटिफिकेशन आता है जल्दी मिल जाएगा, जो भी वीडियो अपलोड होता है यूट्यूब पर आपको जल्दी मिल जाएगा। और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।